नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू के ग्राउंडिंग की उच्चाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। कहा है कि निवेश के लिए एमओयू को धरातल पर उतारना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। राज्य में उन उद्योगों से कितना रोजगार होगा इसका विवरण तैयार करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ ही साथ समीक्षा के साथ उनसे सुझाव लिए और 15 फरवरी तक अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग करने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ एमओयू की ग्राउंडिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेश इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश को धरातल पर उतारने के लिए यहां पर गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक समीक्षा बैठक यहां पर की गई थी, अधिकारियों से ग्राउंडिंग को लेकर बातचीत यहां पर की गई थी। जो सुझाव विभागों के थे उन सुझावों पर इंप्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए और सरकार चाहती है कि 2 फरवरी 2024 तक ज्यादा से ज्यादा जो ग्राउंडिंग हो इस निवेश की वो धरातल पर उतर सके और जनता को उसका लाभ मिलना शुरू हो चुके। उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो उसके लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और काम करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोशिश यही है सरकार की कि जो एमओयू अब तक हुए, यानी 3,56,000 करोड़ के जो एमओयू यहाँ पर इस इन्वेस्टर समिट के दौरान यहाँ पर हुए हैं, उस निवेश पर अभी तक कह सकते हैं सिर्फ 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग यहाँ पर हुई है। बाकी ग्राउंडिंग के लिए कह सकते हैं कि बाकी जो निवेश है उनकी ग्राउंडिंग के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। एक एक्शन कमेटी यहाँ पर बनाई गई है, उसके लिए ये कह सकता है कि शासन स्तर पर दिशा जारी हो चुकी है और कोशिश यही है विभाग की, जो सरकार की, कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो धरातल पर उतर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब जो विभाग है उन विभागों का समीक्षा ये करनी होगी कि जो निवेश यहाँ पर उतर रहा है, जो धरातल पर उतरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जो एमओयू अब तक हुए उसमें से कितने लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिया जा सकता है। रोजगार में भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो लोग हैं उन्हें कितना रोजगार यहाँ पर मिल सकता है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार की संभावना है, उस पर भी अब अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता होगी और उसके लिए विभागों को काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि लगभग ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो निवेश है वो ऊर्जा के सेक्टर में यहाँ पर हुआ है, उसके बाद आपकी जो निवेश है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग क्षेत्र में यहाँ पर निवेश हुए हैं, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश हुए हैं, आयुष और वेलनेस के सेक्टर में भी काफी निवेश यहाँ पर हुए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य के लिए ये निवेश रोजगार का रास्ता कितना सुगम बना सकते हैं वो देखने वाली बात यहाँ पर हुई है। उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोशिश यही है धामी सरकार की कि जो निवेश के करार यहाँ पर हुए हैं उस निवेश के करारों से राज्य में विकास की रफ्तार भी बढ़ सके, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजन हो सके रोजगार का और राज्य के युवाओं को उसका लाभ मिल सके, ऐसे प्रयास करने के निर्देश देंगे। जी बिल्कुल अभय, जिस तरह से पिछली बार भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जब एमओयू हुए थे और ग्राउंडिंग उनकी नहीं हो पाई थी, धरातल पर नहीं उतर पाए थे, तो तमाम उसकी आलोचनाएं की जा रही थी। इस बार जिस तरह से आप 3,70,000 के एमओयूज की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, इनको धरातल पर उतारने के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि सक्सेस को लेकर पिछली बार भी सवाल उठे थे और इस बार इन तमाम कामों को सक्सेस करना और इसके जरिए रोजगार देना पहली प्राथमिकता है सरकार की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धामी सरकार जो काम यहाँ पर कर रही है उन कामों पर तीव्रता और समयबद्धता दोनों ही चीजों का ध्यान रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी जो इन्वेस्टर सबमिट यहाँ पर हुआ है, जो एमओयू यहाँ पर हुए हैं, उन एमओयू में से ये कह सकते हैं कि 44,000 करोड़ के जो एमओयू थे उसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। तो ऐसा ना समझा जा सकता है कि धामी सरकार ग्राउंडिंग को लेकर जो लगातार यहाँ पर काम कर रही है वो तीव्र गति से यहाँ पर करने के निर्देश अधिकारियों को भी दे रही है ताकि जल्द से जल्द निवेश धरातल पर उतर सके। जो आम जनता की उम्मीद है उन उम्मीदों के अनुरूप विकास के काम यहाँ पर हो सके, जो युवा है जो रोजगार का सपना देख रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल सके, ऐसी कोशिश हमें सरकार की तरफ से की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि पूर्व के इन्वेस्टर समिट से ये इन्वेस्टर समिट काफी बड़ा इन्वेस्टर समिट यहाँ पर है, क्योंकि पहले जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ था जिसमें लगभग 1,50,000 करोड़ के एमओयू साइन यहाँ पर हुए थे, लेकिन इस बार 3,56,000 करोड़ के एमओयू यानी दुगुने से ज्यादा एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं और उसकी ग्राउंडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यानी जब मुख्य कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर हुआ था तो उसी दिन 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग धरातल पर हो चुकी थी और ऐसे में कोशिश हमें सरकार की यही है
कि फरवरी 2024 तक ज्यादा से ज्यादा यानी जो बचे हुए जो एमओयू थे उनकी ग्राउंडिंग यहाँ पर हो सके और राज्य के युवाओं को विकास का लाभ भी मिल सके और जो रोजगार का सपना देख रहे हैं वो भी पूरा हो सके। जी कंपनीज की यदि हम बात करें जिनके साथ एमओयू साइन हुए हैं तो उनकी क्या विशेष तौर पर मांगे हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही है? देखिए जिन कंपनियों के साथ राज्य सरकार का ये एमओयू यहाँ पर करार हुआ है उनके लिए कोशिश यही राज्य सरकार की कि वो जो उनकी बाध्यता जो हस्ता पात्रता है या जो हस्ता है जो उनकी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए शासन स्तर पर अधिकारियों की एक स्पेशल कमेटी का गठन यहाँ पर किया जा रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कि औद्योगिक विभाग के या जो विभाग दूसरे जो विभाग उनके एडवोटी शामिल यहाँ पर होंगे। कोशिश ये रहेगी कि उस एमओयू के माध्यम से या उस कमेटी के माध्यम से जो उनकी जो शर्तें हैं जो उनकी मांगे हैं उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके और उस कमेटी को पावरफुल बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री स्तर की कोई समस्या होती है तो फिर उसका निस्तारण भी यहाँ पर किया जा सकता है। शासन स्तर के लिए ये कह सकते हैं कि जो निर्णय कमेटी होगी ये पूरा काम यहाँ पर करेगी और जो प्रयास होगा वो ये रहेगा कि इन्वेस्टर समिट के निवेश के जुगाड़ है वो धरातल पर उतर सके। जी जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से एमओयू की ग्राउंडिंग के लेकर मुख्यमंत्री खुद सख्त नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक की गई, इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंडिंग को लेकर साथ ही साथ जो एमओयू साइन हुए उनको धरातल पर उतारने के लिए तमाम जो कोशिशें उत्तराखंड सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जानी चाहिए उसमें कोई कमी ना आए। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस संगठन के द्वारा चलाए जा रहे जिला सम्मेलन के काम पर सवाल खड़ा किया है। उनके अनुसार कांग्रेस का जिला सम्मेलन पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने के लिए पार्टी प्लेटफॉर्म देता है और कभी मौके पर खुद अध्यक्ष भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर पार्टी नेताओं को अपनी बात कहने की नसीहत देते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के जिला सम्मेलन में कही गई बातें भी व्हाट्सएप पर लीक कर दी जाएं तो फिर किस बात का पार्टी प्लेटफॉर्म रह जाएगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिला सम्मेलन हो रहा हो और उसमें आदमी अपनी बात कह रहा हो और वो बात भी सार्वजनिक हो जाए और अध्यक्ष जी उस पर कोई बात कह रहे हैं वो भी सार्वजनिक हो जाए तो फिर ये तो कदापि उचित नहीं है। अगर आदमी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बात ना कह सके वो भी सार्वजनिक हो जाए तो फिर कहाँ आदमी अपनी बात कहेगा। और पिथौरागढ़ में जो हमारे विधायक हैं महेश कुमार जी उन्होंने एक बात कही और उस बात का जवाब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है तो ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए बात है। मेरा कहना ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़े हुए हैं। जी तुषार, जिस तरह से प्रीतम सिंह ने कहीं ना कहीं शिकायत यहां पर की है और उनका कहना है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो बातें होती हैं वो व्हाट्सएप पे लीक नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो लोकसभा की तैयारियां जो कांग्रेस है वो लगातार कर रही है और इसके लिए जिला सम्मेलन जो लगातार पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। बीते दिनों पिथौरागढ़ में जो एक बड़ा सम्मेलन किया गया जिला सम्मेलन जिसमें कार्यकर्ताओं को परीक्षण दिया गया साथ साथ उनकी बातें भी रखी गई और ऐसे में जो पिथौरागढ़ के जो विधायक है मयूख महर उन्होंने सवाल खड़े करे थे कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं चुनाव के वक्त ही जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो नेता प्रतिपक्ष जो यशपाल आ रहे हैं उनको याद आता है कि पिथौरागढ़ का भी दौरा कर लिया जाए तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे तो उन्होंने एक शिकायत सी करी थी जिसके बाद ये व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किस तरह से वायरल हो रहा था जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उनका सवाल का जवाब भी दिया था लेकिन इस तरह के जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो काफी चिंतित हो चुकी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो प्रीतम सिंह है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में जिस तरह से वार्ता लीक हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और पार्टी स्तर पर जांच होनी चाहिए कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ये सब लीक करते हैं और सोशल मीडिया में एक मुद्दा देते हैं। ऐसे में जो एक बात रखी गई है नॉर्मली चिंता लिया जाए एक इसे मुद्दा ना माना जाए। जी जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से प्रीतम सिंह का कहना है कि पार्टी फोरम से जो बातें लीक होती हैं उसको लेकर ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने फोन बैन करने की भी बात सुझाई है? देखिए बिल्कुल, अगर जिला सम्मेलन हो रहे हैं कार्यकर्ताओं से वार्ता हो रही है ऐसे में फोन साइलेंट या फिर लाने के लिए मना ही कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह की घटनाएं अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी मुश्किलें हो सकती है बढ़ सकती है और ऐसे में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा इस चीज में बहुत स्ट्रांग है, ऐसी चीजें भाजपा की कभी लीक नहीं होती लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अंदर खाने ही उनका बताते हैं कि किस तरह से उनकी जो पूरी जो प्रदेश समिति है उनकी हालात कैसे हैं
अंदर खाने ही जो पार्टी है वो टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है कि सम्मिलित किया जाए, साथ साथ ऐसे सम्मेलन में मोबाइल बंद करने की भी जो कहा जा सकती है अपील की गई है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो प्रीतम सिंह है उन्होंने की। जी जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता, जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस के पार्टी प्लेटफॉर्म की बातें व्हाट्सएप पे लीक होने को लेकर प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार की टिबड़ी और अंबेडकर पार्क में कड़व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग भी उपस्थित रहे। इन विभागों के द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए गए जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभान्वित हो सके। दोनों स्थानों पर संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ ली है। इस दौरान मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया। हरिद्वार में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में योजनाओं से वंचित लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। खबर देहरादून से है जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक फेज 1 और 2 के सभी कार्यों को पूरा करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों से योजनाओं को पूर्ण करना होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभाग अपने आपसी सामंजस्य से कार्यों में आ रही समस्याओं का हल निकालकर सभी कार्य समय से पूरा कर ले। पीआरडी स्थापना के दिन जवानों के द्वारा किए जा रहे हंगामे के बाद शासन ने नियमावली में बदलाव किया है। इस बात की जानकारी विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने दी है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि नियमावली में संशोधन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कई मसलों पर संशोधन किया गया है। जैसे ही ये नियमावली प्रख्यापित होगी और इसका शासन आदेश जारी हो गया इसके बाद सभी के बीच ये आदेश रखा जाएगा। पीआरडी नियमावली में संशोधन हुआ है और उस संशोधन के निमित्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हाईलाइटिंग जो उनके हित में उनकी हमेशा से अपेक्षा रही है और उसी रिगार्डिंग जो है संशोधन किए गए हैं। चाहे उनकी भर्ती की उम्र हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की उम्र है, चाहे उनके कल्याण कोष का कोष के संदर्भ हो, चाहे पीआरडी की नई भर्ती का प्रकरण हो, चाहे उनके मृत आश्रितों के संदर्भ में उनको पुनः नियुक्ति के संदर्भ में हो, अथवा उनकी छुट्टी का विषय हो, अथवा गर्भवती महिला होने के उस पर उनको छुट्टी मिल सके। ऋषिकेश के खैरी कला के ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल के द्वारा किए गए विकास कार्यों को ठिकाने लगाने के आरोप में खैरी कला ग्राम सभा के लोग और प्रधान संगठन काफी गुस्से में हैं। खैरी कला ग्राम सभा के स्थानीय और प्रधान संगठन ने प्रदर्शन कर ग्राम प्रधान चंद्रमोहन पोखरियाल को बदनाम करने वालों के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया है। हमारे जो मंत्री जी हैं उनसे व्यक्तिगत सुद्वेष के कारण जो है प्रधान को बीच में लपेटा जा रहा है। और ये आप भी जानते हैं कि अगर खैरी कला का प्रधान है तो अगर उसे गबन करना भी होगा 1%, पहले तो ये संभव नहीं है। आजकल मोदी जी ने जियो टैग कर दिया है, तो पहले बोर्ड लगा के फोटो खींची जाती है खाली रोड की, तो फिर बोर्ड रोड बनाई जाती है। तो अगर ये प्रधान गड़बड़ी करता भी तो अपने गाँव में करता ना। खैरी विधायक नीति से स्वीकृत खैरी कला की सड़क जो है बनी नहीं है और उसका बजट जो है ठिकाने लगाया गया, जबकि आपके सामने इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये वो बोर्ड है और ये वो सड़क है जो बन करके तैयार है। ऐसा कहीं ना हुआ था और वो किसी मतलब पेंटर की गलती थी, उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, ना मेरा कोई दोष है, ना हमारी पार्टी का दोष है और ना किसी अन्य व्यक्ति का दोष है। वो सारी गलती जो है पेंटर की गलती की वजह से जो है वो इस तरीके का रूमर फैलाया गया और उसको इन्होंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि जो है प्रधान ने बजट खा दिया और जो है हमारी सड़क को अपनी सड़क दिखा रहे हैं। खबर देहरादून से है जहां गली मोहल्ले तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण सीएनजी ऑटो के नए परमिट खोलने की तैयारी में है। ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों को सीएनजी ऑटो के परमिट देकर डोर टू डोर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव 23 दिसंबर को आरटीए की बैठक में पेश किया जाएगा। इसे लेकर ऑटो संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑटो यूनियन का कहना है कि नए परमिट दिए जाने से सड़कों पर नए ऑटो आने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी, वहीं ऑटो संचालकों का रोजगार भी प्रभावित होगा।
जिस पर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि नए परमिट उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जो अभी ई रिक्शा या अन्य वाहन चला रहे हैं। इससे परमिट धारक नियम के दायरे में ऑटो चलाएंगे, इसका असर ऑटो संचालकों पर नहीं पड़ेगा। नए परमिटों के बारे में जो निर्णय होने जा रहा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास निरंतर एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों की, आम पब्लिक की, कि वो लोग और सीएनजी या एलपीजी का ऑटो लेना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक ऑटो की एज काफ़ी कम होती है, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी समस्या भी सुनी जाएगी। और देहरादून में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर कि ग्रेडियंट काफ़ी हाई है, जहाँ पर कि इस तरह के वाहन नहीं जा पाते हैं, वहाँ के क्षेत्रों के लिए भी हमें ऐसे ऑटो जो सीएनजी एलपीजी से चलते हों उनको यूटिलाइज करने के लिए ये इस पर विचार किया। नगर पालिका लोहाघाट में बोर्ड भंग होने पर प्रशासक बैठने से नगर पालिका ने नगर वासियों के परिवार रजिस्टर बनाना बंद कर दिया है, जिस कारण नगर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को निर्वर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और नगर वासियों ने बताया कि पालिका के द्वारा परिवार रजिस्टर न बनने से नगर वासियों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है। लोग परिवार रजिस्टर बनाने के लिए पालिका के चक्कर काट रहे हैं, वहीं उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा रही, जिस कारण नगरवासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। वर्तमान पालिका अध्यक्ष वर्मा ने कहा है कि अगर पालिका के द्वारा जल्द ही नगरवासियों को परिवार रजिस्टर नहीं बनाए गए तो जनता के साथ लेकर आंदोलन करेंगे। वहीं इस मांग को लेकर एकता चौक में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इससे पूर्व में तो लोहागढ़ चेयरमैन के द्वारा थोड़ी व्यवस्था की गई थी हमारे लिए, लेकिन जो वर्तमान प्रशासक बैठे हैं उनके द्वारा मना कर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों के बहुत कार्य हमारे रुक जा रहे हैं। कोई किसी का पासपोर्ट बनना है, किसी का और कोई शॉर्टकट बनना है, परिवार रजिस्टर की मेन जरूरत होती है, लेकिन नगर पंचायत द्वारा सीधे सीधे इसके लिए मना करें। परिवार रजिस्टर का मामला मेरे संज्ञान में आया है, काफ़ी लोग परेशान हैं, नगरवासी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भक्ति तैयारी कर रहा है, कोई जाति और स्थायी प्रमाण बना रहा है, कोई अपना वीजा लगा रहा है पासपोर्ट के लिए, तो इसको देखते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीच में जब हम लोग नगर पालिका में थे तो हम लोगों ने डीएम साहब से वार्ता की, डीएम साहब ने यह आदेश किया था कि अगर लोग परेशान हैं तो नगर पालिका ने परिवार की नकल देनी होगी। हरिद्वार के विकास भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दरअसल डॉक्टर रघुनंदन टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हजीबुल्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में सूचना के अधिकार के जरिए क्रांति आई है। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, यही नहीं ग्रामीण स्तर पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर विभाग की वेबसाइट में संबंधित विभाग की जो कार्य प्रणाली है उस अनुसार उसका उल्लेख होना चाहिए, ताकि आम नागरिक सीधे वेबसाइट से जो जानकारी चाहिए उसे ले सके। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि आरटीआई लोगों का अधिकार है, जिसके उपयोग से हमें असली जानकारी मिल सकती है। डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला उत्तराखंड सरकार के सारे जो जन सूचना अधिकारी हैं और प्रथम अपील अधिकारी हैं, खास तौर पर जो हरिद्वार और बाजू के ज़िले में कार्यरत हैं, उनके लिए एक प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस पे सवाल जवाब के सिलसिले के दौरान जो लोक सूचना अधिकारियों के सामने सूचना के लिए अर्जियाँ जो आ रहे हैं उनसे संबंधित जो समस्याएँ उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका समाधान कानून के मुताबिक या फिर नियम के मुताबिक आसानी से हो नहीं पाता, तो उनके बारे में चर्चा हो रही है और समाधान निकालने का तरीका ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट्स के और सर्वोच्च न्यायालय के सूचना आयोगों के आदेश के तहत किस प्रकार से समाधान निकाला जा सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।